हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। जी हां, आज का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर तो है ही, बट इसका साथ साथ बहुत सारा आपको स्टैटिक भी मिल जाएगा। आज हम लोग कुछ इंडिया का फेस्टिवल के बारे में जानेंगे जो कि साल भर में होते रहता है। आपको मालूम है हमारा प्यारा हिंदुस्तान बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहा जाता है। हालांकि अभी कुछ कुछ हालत, मतलब कहीं कहीं कुछ कुछ घटना दिख रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, मणिपुर में जैसा हुआ या फिर और भी बहुत जगह। तो अब हम लोग को मिलकर इसको ठीक से रखना है, सुधारना है। तो हमारे हिंदुस्तान में सारा साल में बहुत सारा फेस्टिवल्स होते रहते हैं, उसके बारे में लोग जानेंगे। कुछ रिलीजियस होता है, कुछ एथनिक होता है, कुछ क्राफ्ट वाला होता है, अलग अलग टाइप का होते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2024 बहुत सारा है, तो दो चार का नाम मैंने लिख दिया। यूथ फेस्टिवल 2024, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2024, कुछ 2023 का भी रहेगा जैसे कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, और भी बहुत सारा आपको मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला है 37 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ होता है, फरीदाबाद में होता है जो कि हरियाणा का एक जिला है, वहीं पर होता है, सूरजकुंड वहीं है। और इस बार का यानी कि 2024 का इनॉग्रेशन कौन की थी, जी हमारी अपनी प्यारी प्रेसिडेंट मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी। और 50 से ज्यादा कंट्रीज में हिस्सा लेता है, और ये जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है पूरा दुनिया का, समझ रहे ना। और हर बार एक थीम स्टेट चुना जाता है, तो इस बार का थीम स्टेट गुजरात था, और एक पार्टनर नेशन चुना जाता है। इस बार का पार्टनर नेशन यानी कि पार्टनर कंट्री था तंजानिया, तंजानिया कैपिटल दो दो में आपको पता है। अब आता है 27th यूथ फेस्टिवल 2024। जी हाँ, यूथ फेस्टिवल कब होता है आपको मालूम होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने डेज कराया था ना जनवरी का, तो जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है 12 जनवरी, उसी दिन इसको मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था, 11 सितंबर 1893 में उन्होंने चिकागो में भाषण दिया था, आपको याद होना चाहिए, मैंने कहा भी था उस वीडियो में भी। 1897 में रामकृष्ण मिशन मनाते वो, और उनको बचपन में कहा जाता था नौरेन, यानी कि नरेंद्रनाथ दत्ता उनका असली नाम था। बट हाँ, बहुत कम उम्र यानी कि 39 उम्र में उनका देहांत हो जाता है 1902 में, और उनका फेमस किताब का नाम है वर्तमान भारत, वर्तमान भारत। इससे भी ज्यादा जानकारी के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, स्वामी विवेकानंद का अलग से एक वीडियो, उसको देखिए, फेमस पर्सनालिटी में मिल जाएगा आपको। तो इस बार का जो यूथ फेस्टिवल है, मैंने उसमें भी कहा था नासिक में हुआ था जो कि महाराष्ट्र में है, मोदी जी इनॉग्रेट करते हैं। और ये इस बार का थीम क्या था, माई भारत विकसित भारत एट द रेट 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। अच्छा, नासिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नासिक जो है ना ये गोदावरी नदी के किनारे में, उसको अच्छे से याद रखिएगा, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है, नापा वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नापा वैली एक्चुअली कैलिफोर्निया यूएस में है, यहाँ बहुत ज्यादा वाइन होता है, बहुत फेमस है। अच्छा, वाइन अंगूर से होता है, आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब नासिक का अंगूर भी काफी फेमस है। और यहाँ पर नासिक में ही हर 12 साल में महाकुंभ का मेला होता है। एक्चुअली महाकुंभ चार चार साल बाद होता है, प्रयागराज हरिद्वार उज्जैन और नासिक के बीच में। और नासिक में ही करेंसी नोट प्रेस है, जब मैंने करेंसी वाला वीडियो कराया तो उसमें भी कहा था आपको। अब आता है 9 पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब आप सोचेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल है तो नागालैंड में होगा, जी हाँ, नागालैंड में ही हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। हर साल दिसंबर में 10 दिन का ये सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी उसको कहा जाता है। मगर ये जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये गूगली साबित हो सकता है। और हॉर्नबिल जो एक बर्ड का नाम है, और अरुणाचल प्रदेश और केरला ये दोनों जगह का ये स्टेट बर्ड है। जी हाँ, ये भी गूगली सवाल हो सकता है, नागालैंड का स्टेट बर्ड नहीं है, ओके, अरुणाचल प्रदेश और केरला का है। अच्छा, 33rd इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2024 का हुआ अहमदाबाद, ये 1989 से हो रहा है, और ये 14 जनवरी को होता है, मकर संक्रांति के दिन, हर बार ये गुजरात में होता है। 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल, जी हाँ, पपेट फेस्टिवल यानी कि कठपुतली का जो फेस्टिवल होता है, ये चंडीगढ़ में हुआ था इस बार। और ये चंडीगढ़ जो है ना बहुत ही मतलब अनोखा जगह है, ये पंजाब का भी कैपिटल है, हरियाणा का भी कैपिटल है, चंडीगढ़ का खुद का भी कैपिटल है। और ये चंडीगढ़ एक प्लान सिटी है, कौन प्लान किए थे ये हमेशा पूछा जाता है, ले कॉर्बुजियर, नाम सुने होंगे, एक स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ही इसको प्लान किया था, ओके। चंडीगढ़ से हमारे युवराज सिंह आते हैं, कपिल देव आते हैं, आयुष्मान खुराना आते हैं, ये सब चंडीगढ़ के निवासी है। अच्छा, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2024 में कहा हुआ, बीकानेर में हुआ जो कि राजस्थान में, आपको पता होना चाहिए, और बीकानेरी भुजिया बहुत ज्यादा फेमस है। सेकंड इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024, ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए हुआ था, और ये गोवा में हुआ था। गोवा जैसे कि आपको मालूम है हमारे हिंदुस्तान का सबसे छोटा स्टेट है,
और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी हुआ, हर साल होते रहता है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी वहां पर है। 19 दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत हमारा गोवा को लिबरेशन मिला था। एक्चुअली गोवा में ही सबसे पहले कोई विदेशी शक्ति अपना मतलब कॉलोनी बनाया था और आखिर में गोवा में से हम लोग को लिबरेशन मिला है। अंग्रेज तो बाद में आया था, गोवा में पोर्टुगीज थे। वैसे यहाँ दिल चाहता मूवी में गोवा को दिखाया गया और मेरा भी तमन्ना है कि मैं गोवा जाऊँ। अगर आप लोग का भी किसी का इरादा है या प्लान है गोवा जाने का तो कमेंट करिए। वन भारत सारी वॉकथॉन, ये थर्ड एडिशन था। पहले बता दूं, पहला एडिशन 2023 में हुआ था अप्रैल में सूरत में, दूसरा मुंबई में हुआ था 10 दिसंबर 2023 में, और ये तीसरा वाला कोटा यानी कि राजस्थान में हुआ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कराया था। अच्छा, मिनिस्टर कौन है टेक्सटाइल? एक्चुअली अभी मिनिस्टर का नाम ज्यादा जान के फायदा है भी नहीं। अगर रिजल्ट मतलब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा आम इलेक्शन का, जो कि अभी चल रहा है, तो बहुत सारा मिनिस्टर सफल होगा, चेंज होगा, और पूरी सरकार बदल गई तो पूरा ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 50th एडिशन ऑफ कर्बी यूथ फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको इंडिया का ओल्डेस्ट एथनिक फेस्टिवल भी कहा जाता है और ये असम में होता है हर साल। 1974 से ये हो रहा है, याद रखिएगा। अच्छा, इंडिया का पहला ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल फेस्टिवल, इंडिया का पहला ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल फेस्टिवल नायका लैंड, ये कहां हुआ? मुंबई में हुआ, और इसको को प्रोड्यूस कौन कौन किया? नायका और बुक माई शो। बुक माई शो आपको पता होना चाहिए, नायका तो अब जितना भी महिला समाज के सबको मालूम होगा, वहां से शॉपिंग वगैरह आप लोग करती होंगी। अब बुक माई शो से जो टिकट वगैरह बुक होते, ये लोग दोनों मिलकर कराया था। 34th सेंखिलैंग फेस्टिवल, ये मेघालय में हुआ, जो कि खासी ट्राइब इसको मनाया जाता है। अब मेघालय का बात याद आता है तो सबसे पहले मेरा ध्यान में आता है जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे ना, IIM शिलोंग में गए थे, वहां पर अपना आखिरी स्पीच वहीं पर उनका हार्ट अटैक हो गया था। उमियम लेक भी मेघालय में है। और हाँ, 2011 का जो सेंसस था, जो कि 21 में होने वाला था बट हुआ नहीं, 2011 का सेंसस मेरा प्लेलिस्ट में है, उसको अच्छा से एग्जाम का पहले जरूर देखिएगा। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ जो हुआ था स्टेट में, सबसे ज्यादा मेघालय में हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, श्रावणी मेला, श्रावणी मेला जो है ये देवघर बाबा बैद्यनाथ टेम्पल में होता है, झारखंड में है ये। यहाँ पर का पेड़ा बहुत फेमस है, मेरा ऑफिस से भी कोई भी जाता है ना तो यहाँ से मैं पेड़ा मंगाता हूँ। अच्छा, झारखंड का नाम आने से किसका नाम पहले दिमाग में आपका? जी हाँ, माही भाई, यानी कि अमेजोनी का नाम आता है वहीं से वो। और हमारे जो मौजूदा प्रेसिडेंट जी हैं मुर्मू जी, वो प्रेसिडेंट बनने के पहले झारखंड के ही गवर्नर थे। ओके, इसको याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है। नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव, ये इस बार कहाँ हुआ? जमशेदपुर झारखंड में है। जमशेदपुर के बारे में भी मैंने कहा था ना, जो जमशेद जी टाटा थे वही इसको बनाए थे, तो टाटा वाला भी एक वीडियो इसको भी देखिएगा। आमरस फेस्टिवल कौन ऑर्गेनाइज मैंने कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? 2023 में हुआ था ये, मॉस्को में हुआ था, ठीक है। मॉस्को मालूम है आपको, रशिया का कैपिटल है, जो कि रशिया पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है। एनुअल बोनालू फेस्टिवल, ये हैदराबाद में हुआ, जो कि तेलंगाना का कैपिटल है। और गॉडेस यल्लम्मा जो है उनका ही इसमें ये मनाया जाता है, या फिर उनको महाकाली भी कहा जाता है, ठीक है। हरेला फेस्टिवल, ये उत्तराखंड में होता है, ये कुमायुन रीजन में होता है हर साल। अंदूरी उत्सव, ये एक बटर फेस्टिवल है, ये भी उत्तराखंड में होता है। एक्चुअली जैसे होली खेला जाता है ना, वैसे ये लोग बटर दूध ये सब गाल में लगाते हैं। बांगस वैली फेस्टिवल, बांगस वैली कहाँ पर है ये जान लेना ही काफी है, जम्मू एंड कश्मीर में, वहीं पर ये वाला फेस्टिवल हर साल होता है। भारतीय भाषा उत्सव 75 दिन के लिए हुआ था, ये लखनऊ में हुआ, UGC इसको कराया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। UGC का भी एक अलग सा वीडियो, उसको भी जाकर देखिएगा, आपको ज्ञान मिलेगा। अराट्टू फेस्टिवल, ये एक टेम्पल है केरला का तिरुवनंतपुरम में, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, बहुत ही फेमस है। आपको ये पूछा जाएगा ये कौन सा टेम्पल में होता है, या फिर पद्मनाभा स्वामी जो टेम्पल है ये कहाँ पर, ये पूछा जाएगा। अच्छा, बन्नी फेस्टिवल, ये आंध्र प्रदेश में होता है, दशहरा का टाइम होता है, इसको स्टिक फाइट फेस्टिवल भी कहा जाता है, लाठी लेके लोग लड़ाई करते हैं। 14th चंदूबी फेस्टिवल, ये असम में होता है, 5 दिन का फेस्टिवल है। चंदूबी एक लेक है असम में, उसी के किनारे में ही होता है, ये फोक कल्चर एथनिक क्यूजिन डांस वगैरह यहाँ सब कुछ होता है। बीटिंग होता है यानी कि ड्रम वगैरह बजता है, बहुत मजा आता है। थाई पूसम फेस्टिवल, ये तमिलनाडु में होता है, ये मुरुगन, अयो मुरुगन, जो मुरुगन है ना ये हमारा नॉर्थ इंडिया में इसको कार्तिकेय भी कहा जाता है। बंगाल में आप देखिएगा जब दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा जो मतलब देवी दुर्गा जो रहती है उसका पास में लक्ष्मी रहती है, सरस्वती रहती है, गणेश जी रहते हैं, और जो कार्तिक रहते हैं ना जिनका वाहन मोर है, तो वही मोर कार्तिक को ही साउथ में मुरुगन भी कहा जाता है, और इनको गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। थोड़ा माइथोलॉजी भी जानना पड़ेगा कि आजकल एग्जाम में माइथोलॉजी भी आता है। अच्छा, संस्कृति उत्सव 2023 उत्तर प्रदेश में हुआ। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 ये भी फरीदाबाद में हुआ, और थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल,
23 वाला फेस्टिवल, मगर हुआ जनवरी में 2024 में। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज ये बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया फेस्टिवल था। ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको होस्ट किया। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो मिनिस्टर है अभी, यूनियन मिनिस्टर कौन है कमेंट करके बताइए, जब चेंज होगा होगा, अभी कौन है बता दीजिए। तो ये बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेरा ख्याल से इससे बहुत सवाल आ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटें, खुशियां बांटें और ज्ञान तो जरूर बांटें। फिर मिलेंगे किसी बढ़िया दमदार धुआंधार वीडियो में।